उसने कहा, आपके पास सेब है, आप मुझे सेब दोगे तो मैं आपको बदले में संतरे दूंगा। लेकिन समय के साथ इसमें कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ खामियां, कुछ कमियां नजर आईं। जैसे मुझे चीजों की जरूरत नहीं है तो मैं आपको अपनी चीज क्यों दूं? तो मेरी जरूरत नहीं है तो आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी। कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं था जैसे कि आजकल है कि 1 किलो के बदले 1 किलो ही जा रहा है, या कहीं ज्यादा जा रहा है या कम जा रहा है। और चीजों को इक्वली बांटा जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास लिविंग थिंग है, कोई मुर्गा है, कोई बकरा है, उसके बदले मैं उसको आम दे रहा हूँ, तो 2 किलो आम के बदले वो किसी बकरे को काट के थोड़ी देगा। तो कॉमन मेजरमेंट नहीं था, और इन चीजों को इजिली ट्रांसपोर्ट करना भी इजी नहीं था। सो इन सब ड्रॉबैक्स को पूरा करने के लिए दुनिया में सिस्टम शुरू हुआ करेंसी का, कॉइन्स। सबसे पहले सिक्के आए, सभी जानते हैं, पहले सोने के सिक्के हुआ करते थे, फिर चांदी के आए, फिर तांबे के, और अब एट प्रेजेंट हमारे पास पेपर करेंसी और कॉइन्स दोनों ही हैं। हम सभी जानते हैं हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है। जैसे भारत की करेंसी है रुपीज, सिक्के यहाँ चलते हैं, नोट भी चलते हैं, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हम करते हैं, डिजिटल मनी का भी यूज करते हैं। ये जितना भी पैसा है, सिस्टम है, ये बैंक और सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये सेंट्रलाइज रेगुलेटरी है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रलाइज रेगुलेटरी। नो, इमेजिन करो, आपने लंच किया, आपके दोस्त ने लंच कराया, आप दोनों ने, सो आपने फैसला किया कि मैं इनको, अपने दोस्त को जो है, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, अपना जो शेयर बनता है। आपने दोस्त को ट्रांजेक्शन करने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया, उसमें से कुछ संभावनाएं ऐसे हो सकती हैं, कोई टेक्निकल इश्यू आ सकता है, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, आपके अपने फोन का, या आपके बैंक का भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है किसी ने हैक कर लिया है, या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो आज के दिन की क्रॉस कर चुकी है। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? मेरे साथ तो होता है दोस्तों कभी कभी। नो, इन सभी चीजों का सोल्यूशन क्या है? इनका एक ही सोल्यूशन है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी, ये फ्यूचर की करेंसी, क्रिप्टो करेंसी ही है जो आपस में लेन देन के काम आने वाली है। नो सी दैट ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पीपल इन द फ्यूचर, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। आइए दोस्तों विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। अभी दुनिया में हजारों कॉइन विद्यमान है, हम कह सकते हैं 2000 से ज्यादा, लेकिन सभी कॉइन्स, बहुत से कॉइन चले गए, रजिस्टर भी नहीं थे, जिनका प्रोफाइल भी नहीं था, सबको अगर हम जोड़ें तो एट प्रेजेंट 5,500 से ज्यादा कॉइन आ चुके हैं। उनमें से टॉप कॉइन्स की बात की जाए तो एट प्रेजेंट बिटकॉइन, लाइट कॉइन, एथोरियम, जेड कैश, और यकीन मानिए दोस्तों आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप यहाँ पे एक नाम और पाएंगे, वो होगा लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन का। तो एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी होती क्या है दोस्तों? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो कि एक्सचेंज का एक मीडियम है। जैसे पहले चीजों के बदले हम पैसे दिया करते थे, इसमें हम किसी भी चीज के बदले क्रिप्टो करेंसी दे सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसकी लिमिट की। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हर कंट्री का एक करेंसी होती है, और उस करेंसी को छापने की भी लिमिट होती है। कोई भी कंट्री अपनी मर्जी से पैसे नहीं छाप सकती। भारत देश का आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंट्रोल करता है इस चीज को कि कितनी करेंसी हर साल छापनी है। ऐसे नहीं कि महंगाई बढ़ गई है या पैसों की कमी हो रही है तो हम अपनी मर्जी नोट छाप दें। तो उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी की लिमिट है, कितने करोड़ कॉइन आप लॉन्च कर रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है अपनी कंपनी की डिजिटल वैल्यू के ऊपर, उसके प्रोफाइल के ऊपर। इनके फंड को, ट्रांसफर को वेरीफाई करना बहुत इजी होता है। ये एक डिसेंट्रलाइज इंडिपेंडेंट ऑफ द बैंक है दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और इसमें आप जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो करने के बाद, ब्लॉकचेन में कुछ चेंज करने के बाद ही इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने रात को नया रूल बना दिया या दिन में कोई नया रूल को डिलीट कर दिया, अपना अपनी मर्जी से कुछ ऐड कर दिया, ऐसा नहीं है। जो एक जेन्युइन कंपनी होगी, जेन्युइन करेंसी होगी, वो कभी भी ऐसा करेगी नहीं करेगी। अगर फ्रॉड कंपनी होगी तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन एक जेन्युइन कंपनी जो है बहुत ही कंडीशन फॉलो करने के बाद ही चेंज कर सकती है। क्रिप्टो करेंसी को स्पेशल क्या बनाता है दोस्तों? जब बार्टर सिस्टम चलता था तब के आपके बीच में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। इसमें आपको एक तो ट्रांजेक्शन करने की जो कॉस्ट होती है वो समझो नेग्लिजिबल है। आप अभी अपने दोस्त को जो दूसरे बैंक का जिसका अकाउंट हो, या अगर विदेश में हो, तब तो समझो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, आप जानते हैं, बहुत ज्यादा लग जाती है। इसमें कहीं भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगेगी, नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो। आप कभी भी मनी को एक्सेस कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है कितना आप खर्च कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक बिल पे किया तो आपकी लिमिट खत्म होगी, नहीं, कोई भी यूज कर सकता है। और आपने इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ट्रांजेक्शन करनी है तो वो बहुत फास्ट है, विद इन फ्यू टाइम, फ्यू मिनट्स में हो जाएगा, 3 to 4 वर्किंग डेज नहीं लगेंगे। नो, क्रिप्टो का मतलब क्या है दोस्तों? क्रिप्टो माना गुप्त, हम कह सकते हैं गुप्त माना सिक्योर। ये इतना ज्यादा गुप्त होता है, इतना सिक्योर होता है, इसकी ट्रांजेक्शन डिटेल्स
इसमें यूज होने वाली एल्गोरिथम, और इसमें यूज की जाती है एक प्राइवेट की, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं कंप्यूटर को जानते हो जानते, प्राइवेट की माना जो पब्लिक को नहीं पता जाती। जैसे आपका अकाउंट नंबर है वो आपको मालूम है, आप किसी को देंगे तो आपके अकाउंट में वो पैसे डल जाएंगे, वो तो हम समझो कि पब्लिक की तरह है। और दूसरी इसमें यूज की गया है प्राइवेट की। तो दोस्तों प्राइवेट की वो होता है जो आपका क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहा है लेकिन पूरी दुनिया को उसके बारे में नहीं बताया गया, और इसमें डिजिटली साइंड आउटपुट होती है और इसकी जितनी ट्रांजेक्शन होती है वो ब्लॉकचेन के द्वारा वेरीफाई होती है। तो ये सारा सिस्टम इतना सिक्योर और इतना गुप्त होता है, इतना सिक्योर होता है कि इसमें कहीं भी 0.1% चांस भी नहीं होते हैं कहीं भी चोरी होने के। तो हम बात करेंगे दोस्तों अब ब्लॉकचेन का, एक एग्जांपल लेते हैं। पहली लड़की तीन जो है एक कनेक्शन करती है अपने दूसरी सहेली के लिए, उसको फोन करके बोलती है कि मैंने आपके अकाउंट में 10 टोकन 10 कॉइन जो है पेमेंट कर दिए हैं। तो बी का अकाउंट जो है 10 कॉइन से भर गया। नो, करना यह था कि बी ने सी को 10 कॉइन भेजने थे, बी ने सी को 10 कॉइन भेजने थे तो तीसरी सहेली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो बी कंपनी है उसने कहा कि मेरे को ए पहली सहेली ने सिर्फ 5 ही कॉइन भेजे हैं और मेरे अकाउंट में सिर्फ 5 ही आए हैं, और उसने सी को सिर्फ 5 ही भेजे। तो एक फास्ट ट्रांजेक्शन हो गई जो उसने अपने माइंड से की। क्या ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी इसको पकड़ सकता है? बिल्कुल दोस्तों, आओ इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। जैसे कि नाम है ब्लॉकचेन, तो दोस्तों एक कंप्यूटर का वर्ड है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में यूज होता है हैश वैल्यू। आप देख सकते हैं एक ब्लॉक बना हुआ है, उस ब्लॉक के अंदर हैश वैल्यू सेव है, एक प्रीवियस हैश शब्द यहाँ यूज किया गया है। अगर आपको ये कंप्यूटर लैंग्वेज समझ नहीं भी आ रही है कोई घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि जहां ब्लॉक चेन बनता है तो बिल्कुल सिक्योर सिस्टम होता है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रीवियस हैश माना ये जो पार्टी ए है इसने कभी भी प्रीवियसली ट्रांजेक्शन की हो तो उसका यूनिक रिकॉर्ड यहाँ पे ऑलरेडी सेव होगा। तो हैश को हम क्या समझें, एक आम भाषा में समझें, एक हैश जो है जो हमारे अंगूठे कंप्रेशन है उसी की तरह सिक्योर है। आप जानते हैं अंगूठे कंप्रेशन कभी भी किसी दूसरे से मैच नहीं करता, तो इतना ये सिक्योर सिस्टम है। तो ए ने बी को पे किया 10 कॉइन, ए का अकाउंट जो है -10 हो चुका है और बी का +10 हो गया। आप देख रहे हैं कि इसका जो हैश है वो दूसरे के प्रीवियस हैश में जाके सेव हो गया, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो किस तरह से दोनों जो ब्लॉक आपने जुड़ गए हैं और एक चेन बना दी गई है, दूसरे का जो हैश है वो तीसरे का प्रीवियस हैश है, तो किस तरह से ये पूरा ब्लॉक चेन सिस्टम काम करता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं ये इतना सिक्योर है कि कहीं भी कोई भी गड़बड़ हुई तो चेन टूट जाएगी और ब्लॉक चेन फिर से जो है जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी वहां जाएगा, वो सिस्टम को सिक्योर कर देगा। नो, अब कोई इंसान अब बहुत बड़ा हैकर है, बहुत बड़ा एक आईटी एक्सपर्ट है, वो कहता कि मैं इस हैश का ही क्लोन बना दूंगा, इस हैश को ही चेंज कर दूंगा। तो हाँ दोस्तों, उसने ऐसा किया, क्लोनिंग करने में लगभग 10 मिनट लगते हैं, एक हैश वैल्यू को चेंज करने में 10 मिनट लगे हैं, उसने उसका क्लोन तैयार कर दिया। तो एज्यूम करो कि 1 करोड़ ट्रांजेक्शन कम से कम हुई है, तो आप दोस्त सोच सकते हैं कि 10 मिनट के हिसाब से 1 करोड़ ट्रांजेक्शन का क्लोन बनाने में लगभग 10 करोड़ मिनट लगे, यानी कि लगभग 200 साल। क्या 200 साल तक कोई आदमी वेट कर सकता है चोरी करने के लिए? है ना हंसी की बात? बिल्कुल नहीं, 0% चांस है दोस्तों। इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। नो, अब ऐसा करें कि कोई इंसान बीच में ही फास्ट ट्रांजेक्शन कर दे, जैसा हमने पहले केस स्टडी किया, तो हमारा जो ब्लॉक चेन है इसकी मल्टीपल कॉपीज बना देता है, ये ओपन लेजर फाइल है। यानी कि ए ने बी को 10 कॉइन दिए, इसकी कॉपी आपके पास भी है, इसकी कॉपी बी के पास भी है, इसकी कॉपी सी के पास भी है। जैसे सेकंड ट्रांजेक्शन हुई इसकी कॉपी ए के पास भी आ गई, इसकी कॉपी बी के पास भी आ गई, इसकी कॉपी सी के पास भी आ गई, और जैसे ही थर्ड ट्रांजेक्शन हुई दोस्तों इसकी कॉपी सबके पास चलेगी। नो, देर आर 0% चांस कि कोई सेकंड पार्टी झूठ बोलता है, और खुदा ना खास्ता बीच वाला पर्सन जो है वो फास्ट ट्रांजेक्शन कर देता है। जैसे फास्ट ट्रांजेक्शन करेगा ये हैश जो है मैच करेगा, वो ब्लॉक चेन पूरी ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देगा और फिर से जो इनिशियल ट्रांजेक्शन की है उसकी कॉपीज जो है सब मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा मल्टीपल कॉपीज के रूप में, जैसे आपने पहले देखा। तो दोस्तों 0% चांस होते हैं चोरी करने के। तो ब्लॉक चेन इतना सिक्योर सिस्टम है, आप कहीं भी ना क्लोनिंग कर सकते हैं, ना कॉपी कर सकते हैं, ना फास्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एक ओपन लेजर फाइल है।